हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है 12:30 और मेरा अभी तक खाना नहीं बना। एक्चुअली भैया आया है, जो उस दिन नहीं आए थे, ट्रैक्टर लिया था उन्होंने, वही भैया आया है राखी बंधवाने। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी अभी खाना बनाना है। एक्चुअली मैं भूल गई थी, कल रात को ही भैया ने कॉल किया था कि आने वाला हो करके, और इनको कॉल किया था, मुझे नहीं कॉल किया था। और इन्होंने मुझे बताया भी था, बट मैं सुबह ना भूल ही गई कि भैया आने वाले हैं, नहीं तो मैं सुबह ही तैयारी करती थी सारे खाने की। बट जब इन्होंने मुझे याद दिलाया तब 10:30 बज रहे थे, और 10:30 बजे फिर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ किया। मैंने अभी भैया आए तो उनको नाश्ता वगैरह चाय वगैरह दे दी मैंने, और अभी मैं बनाने वाली हूँ खाना। बहुत लेट हो गया है बट फास्ट मुझे बनाना है, तो चलिए जल्दी से खाना बनाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी क्या बनाऊँ यही समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और मीठे में क्या बनाऊँ और सब्जी में क्या बनाऊँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, सबसे पहले ना चावल ही डाल दिए, मैंने राइस डाल दिए जीरा राइस बनाने के लिए, और ये साइड में पक रहे हैं चावल। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं बनाने वाली हूँ मीठे में सेमी की खीर। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था टाइम पे, तो गुलाब जामुन भी नहीं बनते और रबड़ी बनाती तो रबड़ी भी नहीं बनती, तो कुछ भी नहीं बनता। मेरा तो मन था कि चलो इनको बोलती हूँ कि श्रीखंड ही बाहर से लाएं, बट मैंने सोचा फिर चलो मैं सेमी की खीर बना लेती हूँ, क्योंकि सेमी की खीर मेरे हाथों से बनी हुई इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं ना सेमी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालती हूँ, उसके बाद सेमियाँ अच्छे से भून लेती हूँ। और ये जो सेमियाँ हैं वो सादी सेमियाँ नहीं है, ये खीर की ही सेमियाँ हैं जो स्पेशल खीर के लिए ही आती हैं। तो वो सेमियाँ मैंने डाल दी है और अच्छे से भून लूँगी इसे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अच्छे से भून लेना है, उसके बाद वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका वाइट वाइट कलर हो जाएगा। और उसके बाद उसमें ना ऐड करना है दूध, तो सबसे पहले अच्छे से भून लेना है। भूनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी भून जाता है ये सेमियाँ और वाइट कलर हो जाता है उसका उसके बाद। और जो हमारी सादी सेमियाँ होती है उसका पहले से ही वाइट कलर होता है, और जब भून जाती है तो ब्राउन कलर आ जाता है उसका, बट ये जो सेमियाँ है इसका ब्राउन कलर ही होता है ऑलरेडी, तो भूनने के बाद वाइट कलर हो जाता है। तो इस तरह से ये सेमियाँ होती हैं। और बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, और दूध ऐड करने के बाद थोड़ी देर उसको बॉयल होने देना है इसके साथ, सेमिया के साथ। इस तरह से हम लोग रबड़ी के लिए नहीं, थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं दूध को, वैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है इसको। पहले थोड़ा सा दूध ऐड करके वो सेम पका लेना है, उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया है मिल्क मेड। तो मिल्क मेड आधा, जो क्या बोलते हैं, कंटेनर होता है वो आधा कंटेनर मैंने ऐड कर दिया है। इससे ना मिल्क मेड ऐड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, जैसे हम लोग यही खा रहे हैं, रबड़ी ही खा रहे हैं, वैसे टेस्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है मिल्क मेड ऐड करने से सेमे की खीर, इसीलिए मैं मिल्क मेड ऐड करती हूँ हमेशा। और मिल्क मेड ऐड नहीं किया ना तो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है ये, तो इसीलिए मैं हमेशा मिल्क मेड ऐड करती हूँ इसमें, तब जाके ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद आपको जितना चाहिए उतना दूध ऐड कर देना है, और चीनी ऐड करनी है, जितनी आपको मीठी चाहिए ये खीर उतनी चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, किसी किसी को ज़्यादा ही मीठा पसंद होता है, किसी किसी को फीका पसंद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड कर दीजिए। उसके बाद उसे पकने दीजिए, मतलब काफ़ी देर तक पकने दीजिए, जब तक ये खीर हमें पकती है, मतलब जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं होता तब तक ये पकने देना है हमें। और तब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए कुछ, मेरे पास बादाम और यही था, मतलब काजू ही था, तो पिस्ता था, बट पिस्ता जो है मेरे पास नमकीन होता है, अद्विक को नमकीन पिस्ता पसंद है, इसीलिए मैं हम लोग नमकीन पिस्ता ही लाते हैं। तो पिस्ता होगा तो पिस्ता डाल दीजिए, जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास है वो डाल सकते हो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास अखरोट वगैरह है तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास बादाम और वो थे काजू ही थे, तो वो मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, मतलब दरदरा ही कूटना है आपको, मिक्सी में नहीं पीसना है इसे, दरदरा ही अच्छा लगता है जब ये काजू और बादाम आपके मुंह में आएंगे, जब इसे चबाना पड़ेगा तब जाके अच्छी लगेगी खीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है खीर इस तरह से अगर आप बनाते हो तो। बस इस तरह से मैं जो बादाम और काजू है वो कूट लूँगी, दरदरी ही कूटूँगी, उसके बाद वो ऐड कर दूँगी। और सबसे पहले ना मैं ऐड करूँगी उसमें किशमिश, तो किशमिश भी मेरे पास दो वैरायटी के हैं, एक काले है और एक पीले वाले हैं, तो मैं दोनों भी वैरायटी के किशमिश ऐड कर दूँगी। और ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कूट लिए हैं वो भी ऐड कर दूँगी, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और काफ़ी देर तक इसे पकने देना है हमें।
जब तक ये सेमे के साथ दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें पकने देना है इसे, और उसके बाद आपके खीर रेडी हो जाएगी। तब तक मैं अभी करूँगी तैयारी इधर सब्जी बनाने की। तो सब्जी में भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या बनाऊँ, तो टाइम पर क्या बनाया ये ही समझ में नहीं आता है। कभी सोच रही थी कि सेव की सब्ज़ी बनाऊँ, बट पिछले बार भैया आए थे तभी मैंने सेव की सब्ज़ी बनाई थी, और सेव की सब्ज़ी के लिए इतना तामझाम नहीं करना पड़ता है तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। और पिछली बार भी भैया आए थे ना तो इतनी जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ किया था। पिछली बार भी ऐसे ही टाइम पर मुझे इन्होंने बताया था कि भैया आने वाला है, और भैया का क्या होता है कि वो आते हैं यहाँ पर बट बाहर ही इनसे मिल के चले जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर वो आते हैं ना तो कुछ काम से आते हैं, तो थोड़ा सा काम जो है वो सिटी में होता है उन्हें, और जब वो मिलते हैं तो इनसे मिल के फिर चले जाते हैं। वो उनका ज़्यादा घर पे आना ही नहीं होता है, जब भी आते हैं तो फिर ऐसे ही जल्दबाजी में आते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ ताकि वो खाना खा के ही जाए यहाँ से। तो इसीलिए यहाँ पर खीर बन गई थी मेरी, और उसके बाद यहाँ पर जीरा राइस भी बन गए थे। और बच्चे खेल रहे ना, इतने ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि आपको क्या बताओ, बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनाई दे रहा होगा। और माही के पापा और भैया गए थोड़ी देर कुछ काम से बाहर, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी तब तक खाना बन जाएगा मेरा, जब तक ये और भैया आ जाएंगे तब तक मेरा खाना तो रेडी हो जाएगा। और सब्जी पता नहीं कौन सी बनाऊँ, अभी सब्जी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतनी जल्दी जल्दी सब्जी कौन सी बनाऊँ, वही बनानी पड़ेगी अभी पनीर की, तो ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो पनीर की सब्जी ही बनाती हूँ, शाही पनीर बनाती हूँ और जल्दी जल्दी खाना रेडी करती हूँ। माही और अद्विक को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भी कोई घर पे आता है ना तो उनको खेलने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है, तो इसीलिए उनको बहुत ही अच्छा लगता है, जाने ही नहीं देते वो। तो यह वैसे भी भैया के बेटों के साथ उनकी बहुत बनती है, और अद्विक का हमेशा का ही रहता है, अद्विक अपनी ही मनमानी करता है हमेशा, जब भी ये लोग खेलते हैं ना तो उसका वैसा ही रहता है कि मुझे बैटिंग चाहिए, मुझे ही मनाओ, उसकी ही मनमानी हमेशा चलती है। तो इसीलिए देखो कितने गुस्से में उसने बैटिंग छोड़ दी, और अभी माही उसको मनाएगी, तो उसका वैसे ही रहता है कि कोई ना कोई उसको मनाने के लिए चाहिए, बस अभी मनाते रहो उसे और वो अपनी मर्जी चलाते जाएगा, अपनी मनमानी करते जाएगा। तो बच्चे खेल रहे थे तब तक मैंने खाना भी बना लिया था, और ये यहाँ पर मैंने प्लेट भी सजा दी थी। तो ये है आज का यम्मी सा लंच, तो रोटी है, जीरा राइस है, पापड़ है, पापड़ फ्राई किए हुए हैं, और ये रायता है दही का, और उसके बाद दाल है, शाही पनीर है और खीर है। तो ये है आज का यम्मी सा लंच, तो चलिए हम लोग अभी लंच कर लेंगे, आप भी आ जाइए लंच करने। और कैसा लगा आज का लंच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बस जल्दी जल्दी बनाया बट बहुत टेस्टी बना था। बस यहाँ पर लंच हो जाने के बाद मैं बांध रही थी राखी, एक्चुअली मैं भैया को राखी बांधती हूँ और भैया के जो दो बेटे हैं उनको माही राखी बांधती है, तो बस यहाँ पर राखी सेलिब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली भैया थोड़े से लेट आए थे और भाभी को लेके आने वाले थे, बट भाभी को भी लेके नहीं आए क्योंकि भाभी की मायके भी भाभी को जाना था, तो इसीलिए भाभी उधर गई और भैया इधर आए, तो ऐसे हुआ था वो, तो इसीलिए भाभी को लेके नहीं आए। और यहाँ पर फिर बच्चे आए थे, पिछले भी बच्चों को ही लेके आए थे, भाभी पिछली बार भी नहीं आई थी, तो ऐसे ही बीच में कभी भाभी आ जाती है फिर, तो राखी के टाइम पे उनका नहीं आना होता है क्योंकि उनको भी उनके मायके जाना होता है, इसी वजह से उनका उस टाइम नहीं आना होता है। और ये टाइम ऐसा है कि सभी को अपने अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना होता है, तो इसीलिए मैं भी इस टाइम उनको फोर्स नहीं करती हूँ, और भैया ज़्यादा देर रुकते भी नहीं है ना, तो इसीलिए फिर वो फोर्स करने से फ़ायदा भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आते हैं बच्चों के लेके और वैसे ही चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए आते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना पड़ा था, नहीं तो एक दिन रुकते ना तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता। बस सुबह 10-12 बजे तक आ जाते हैं और उसके बाद फिर 3-4 घंटे रहते हैं, मतलब 2-3 घंटा ही ऐसा समझ लो, और बस खाना वगैरह खा के राखी वगैरह बनवा के चले जाते हैं। तो खाना भी बहुत कम खाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए भी मना ही करते हैं, बट मैं हमेशा पहले ही बना के रखती हूँ, तो इसीलिए उनको खाना खा के जाना ही पड़ता है, तो वो आज भी मना ही कर रहे थे, बट बोलते हैं ना कि राखी के टाइम जब भी भाई आता है तो बहन के घर से खाना खा के जाना चाहिए, तो इसीलिए मतलब मैंने सुना था, तो इसीलिए मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, जब भी मेरे भाई आते हैं तो मैं राखी के टाइम पे खाना खा के ही उन्हें भेजती हूँ। तो बस यहाँ पर दोपहर का टाइम था और थोड़ी देर में भैया निकल जाएंगे, तो बस ज़्यादा देर तक रुकते नहीं, मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पर निकल रहे हैं भैया और उसके बाद मिलती हूँ आपसे इनको बाय करके। तो गाइस भैया और बच्चा अभी अभी निकल गया है घर के लिए, मतलब गांव के लिए, तो बस अभी घर जो है वो पूरा खाली हो गया है, बच्चे अभी तक इतनी मस्ती कर रहे थे, चहल पहल थी घर में, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है अभी, बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम लोग अभी,
तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय।